सायराम बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, आज मैं आपको इस लेसन में संस्कृत के लेसन नंबर 5 में पढ़ाऊंगी वृक्षा। आपका ये वृक्षा चैप्टर है, जो कि एक श्लोक है वृक्षों के बारे में। तो आज हम रीडिंग करते हैं वृक्षा लेसन की। देखो, हमारी जीवन में वृक्षों का क्या महत्व है, ये तो सभी जानते हैं। वृक्ष हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, ये तो आप अच्छे से जानते हो। अगर वृक्ष न होते तो शायद हम जीवित भी ना रह पाए। आज मनुष्य ने क्या किया है, वृक्षों को काट कर नई नई बिल्डिंगें तैयार कर लिया, फैक्ट्रियां तैयार कर ली हैं, जिसके कारण क्या हो गया, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और आज जो बीमारी फैली है, उसका एक कारण ये भी है कि मानव ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के कारण भी प्रदूषण इतना बढ़ गया कि नई नई बीमारियों ने जन्म ले लिया। आज जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि इंसान दिन प्रतिदिन जंगलों को साफ करता जा रहा है, जिससे क्या है, हमारा वातावरण वायुमंडल दूषित हो रहा है और हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विकास तो हो रहा है, लेकिन क्या है, हमारी जो भौतिक दशाएं वो भी बदल रही हैं और उसके कारण हमें कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो देखो बच्चों, वृक्षों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में हम देखते हैं। बने बने नीव संतो वृक्षा, पहले तो हम इन श्लोकों का उच्चारण करेंगे, आप भी मेरे साथ इसका उच्चारण करना। बने बने नीव संतो वृक्षा, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, शाखा दोला सीना बिहगा, ते किमपि कूजन्ति वृक्षा। ठीक है, शाखा दोला सीना बिहगा, ते किमपि कूजन्ति वृक्षा, पिवन्ति पवनम जलम संततम, साधुजना इव सर्वे वृक्षः, स्पर्शन्ति पादे पातालम च, नभाशिरसु वहन्ति वृक्षा, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, प्रसार स्वछाया संतरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा, प्रसार्यं स्वछाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। तो आप इसको बार बार रीडिंग करोगे, आपको जो शब्द नहीं आ रहे हैं उनको तोड़ तोड़ के, जैसे शाखा दोला सीना, तीन बार इसको तीन भागों में बांट के हम इसको पढ़ सकते हैं। ऐसे ये है नीचे वाला, प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम, इसको भी हम तोड़ के तीन बार पढ़ सकते हैं, तो आपको आसानी से संस्कृत भी पढ़नी आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसकी रीडिंग करोगे। वनी 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 निसंतो वृक्षा, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, शाखा दोला सीना बिहगा, ते किमपि कूजन्ति वृक्षा, पिबन्ति पवनम जलम संततम, साधुजना इव सर्वे वृक्षा, स्पर्शन्ति पादे पातालम च, नभाशिरसु वहन्ति वृक्षा। तो पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, प्रसार स्वछाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। तो देखिए, पहले है इसको देखिए, एक एक श्लोकों का अर्थ हम जानते हैं कि क्या लिखा है इसमें। वने वने निवसंतो वृक्षा, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा।
बने बने यानी प्रत्येक वन में कौन रहता है? वृक्ष रहता है। प्रत्येक वन में रहते हुए ये वृक्ष क्या है? वनों की रचना करते हैं। एक पेड़ से तो वन नहीं बनता, जब बहुत सारे वृक्ष होंगे तभी तो पेड़ बनेगा। तो वने वने निपशंतो वृक्षा वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, प्रत्येक वन में रहते हुए ये वृक्ष वनों का निर्माण करते हैं या वनों की रचना करते हैं। दूसरा है शाखा दोला सीना बिहगा ते कीमपि कूजन्ति वृक्षा, जो पक्षी गण है वो क्या है? वृक्षों की शाखा रूपी झूले में बैठकर कुछ भी कूकते रहते हैं। यानी जो पेड़ों की शाखाएं होती हैं उसका क्या है, जो चिड़ियाँ होती है आपने देखा होगा पेड़ों की डालियों में चिड़ियाएं बैठ के झूलती रहती हैं और कूकती रहती हैं, कुछ भी बोलती रहती, मधुर स्वर में गाती रहती हैं। तो क्या है, शाखा दोला सीना बिहगा ते कीमपि कूजन्ति वृक्षा, वृक्षों की शाखा रूपी झूले में बैठकर पक्षीगण कुछ भी कूकते रहते हैं। फिर है आपका पिबंति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा, पिबंति पवनम जलम संततम यानी पीती हैं, पिबंति पीती हैं पवन मल हवा, जल मतलब वायु, संततम निरंतर, साधु जना इव सर्वे वृक्ष, ये जो वृक्ष हैं वो साधियों साधुओं के समान हैं, साधु लोग सज्जन लोग या साधुओं के समान हैं जो निरंतर जल और वायु को पीती रहती हैं। फिर है स्पर्शन्ति पादे पातालम च नवासिरसु वहन्ति वृक्षा, जो ये वृक्ष हैं वो क्या है, स्पर्शन्ति पादे पातालम अपने पाँव से, पाँव क्या है इसकी जड़ें, जड़ों को क्या पाँव बोलेंगे, तो ये क्या करती हैं अपनी जड़ों से या अपने पाँव से पाताल को स्पर्श करती हैं। पाताल नीचे धरती के नीचे उसकी जड़ें होती हैं, तो वो क्या है पाताल को स्पर्श करती हैं, ठीक है, अपने पाँव से ये वृक्ष क्या है अपने पाँव से पाताल को स्पर्श करते हैं। और नभा शिरशवंति वृक्षा, और जो आसमान है वो उसको क्या है अपने सिर पर ढोए हुए हैं, यानी जड़ों से ही पाताल को छूती हैं और आसमान को अपने सिर पर उठाए हुए हैं। तो स्पर्शन्ति पादे पातालम च नभा शीर्ष वहन्ति वृक्षा, ये वृक्ष अपने पाँव से पाताल को स्पर्श करती हैं और आकाश को अपने सिर पर ढोए हुए हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकीन पश्यन्ति वृक्षा, पयोदर्पणे यानी जल रूपी, पयो मतलब पानी, पानी का पर्यायवाची है पयो, पयोदर्पणे यानी पानी रूपी दर्पण में स्वप्रतिबिंब, स्वप्रतिबिंब अपनी छाया परछाई जो होती है तो उसको क्या है कौतुकीन पश्यन्ति वृक्षा, ये वृक्ष जो है जल रूपी दर्पण में अपनी छाया को आश्चर्य से देखती हैं, आश्चर्य से देखती हैं कि वो नहीं जानती कि ये छाया हमारी है, लेकिन वो उसको आश्चर्य से देखती हैं, अपनी छाया को क्या है आश्चर्य से देखते हैं। ये वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देखते हैं। फिर है प्रसारे स्वछाया संस्तरणम कुरुवंति सत्कारम वृक्षा, प्रसार यानी फैलाकर स्वछाया संस्तरण अपनी छाया को फैलाकर, बिस्तर के समान अपनी छाया को फैलाकर कुरुवंति सत्कारम वृक्षा, और सभी का सत्कार करते हैं। ये वृक्ष क्या है अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सभी का सत्कार करते हैं, ठीक है, ये वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सभी का सत्कार करते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी वृक्षा की हिंदी, एक बार हम इसके शब्दार्थ देखते हैं और फिर देखते हैं आगे। देखो एक बार शब्दार्थ भी आप देख लीजिए, वने वने प्रत्येक वन में, निपशंता रहते हुए, रचयन्ति रचते हैं या बनाते हैं, शाखा डालियां टहनियां, दोला झूला, आसीना बैठे हुए, बिहगा पक्षीगण, कीमपि
कुछ भी, कूजंती कूकते हैं या कूकती हैं, संततम निरंतर लगातार, साधुजना तपस्वी लोग या सज्जन लोग, इव की तरह, पीवंती पीते हैं, स्पर्शंती स्पर्श करते हैं, नवा आकाश को, सिरसु सिर पर, वहंती ढोते हैं, पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण आईने में, दर्पण का मतलब है आईना, प्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, पश्यंती देखते हैं। फिर है कौतुकेन आश्चर्य से, प्रसार फैलाकर, स्वछाया संस्तरण अपनी छाया रूपी ही बिस्तर को, और सत्कार आदर। तो अभी आपको क्या करना है, आपको इसकी जो एक्सरसाइज, पहले आपको ये श्लोक लिखने हैं, फिर उसके बाद इसके शब्दार्थ लिखने, और श्लोकों का जो अर्थ मैंने बताया उसको समझने की कोशिश कीजिए, और बार बार इन श्लोकों को पढ़ोगे तो अपने आप में अर्थ भी आपको आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।